तो अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, देखो बच्चों, विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। देखो पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है ये कौन डिसाइड करेगा, क्या स्पीड डिसाइड करेगी। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो मान लो स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पार्टिकल की पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और यहाँ से कर्व भी हो सकती है, कर्व भी पॉसिबल है। पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल की पाथ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। आई होप कि आप पढ़े होंगे, ठीक ना। और अगर पार्टिकल की इस वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो सर्कल भी हो सकता है, कोई कर्व भी हो सकता है, इस टाइप से। एक्सलेशन का भी वही हाल है, अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल की पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक ना, और कर्व भी हो सकता है, कर्व में सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, और एनी कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में बता नहीं सकते यार किसी एक के बारे में कि कोई एक अगर फिक्स कर दिया जाए तो पाथ मैं उसका बता दूं, मतलब अकेले इसमें से कोई डिसाइड नहीं करता नेचर ऑफ पाथ। मतलब डी ऑप्शन इसमें से सही है।